Yeah, so if we move ahead, this lesson number two, Surprenante, this consists of this vocabulary, you know. This also has this les professions, the professions. That also we will do. Okay, so let's see if we can do it today, just now. This first question, écrivez les mots suivants dans les bulles. Bulle, what does it mean? बिल हाँ, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड इफ यू अंडरस्टैंड द उसका होल क्वेश्चन. मीनिंग व्हाट डज दिस मीन, दिस द होल क्वेश्चन? एक्रीवे कल किया था ना अभी. या सो फिर एक्रीवे क्या होता है? एक रिवेज टू राइट एक एक रहा वर्ब है। हाँ नहीं, वर्ब तो है. हाँ, टू हाँ राइट. राइट सो राइट राइट द वर्ड्स, मो मतलब वर्ड्स, एंड ओके सुइवां इज द फॉलोइंग. सो इट्स लाइक राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ब्यूल. ब्यूल मीन्स डायलॉग बॉक्स, बुलेट्स डायलॉग बॉक्स ये ओके जो बबल मतलब है ना. ओके सो इसमें बोल रहे हैं. सो दिस आई थिंक यू कैन डू इट. मतलब आपको दिख ही रहा है इमेज पे, और हमने ये ऑलरेडी किया हुआ है, बोंजूर और वोआर एक्सेट्रा. सो ये वाले क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं. मतलब यू हैव टू टेक, ओपन योर बुक एंड यू नो प्रैक्टिस दीज एक्सरसाइजेस, बिकॉज ओके हाँ यू हैव टू राइट ऑल्सो ना. रीड राइट, रीड राइट, या रीड राइट, लिसन. तभी ये पेज नंबर कौन सा बता सकते हो? दिस इज टेन लेसन टेन नंबर टू, टेन पाज ओके टेन दीस. पेज नंबर 10 पाज बीस न्यूमेरो, बीस वी कैन से पाज न्यूमेरो दीस. ओके सो नमारो ऐसे जैसे बीस पाज न्यूमेरो, न्यूमेरो, रो ठीक है. सो दीस, पांच अब काउंटिंग न्यूमेरो कर लिया है तो आपको काउंटिंग फ्रेंच में बोलना चाहिए, है ना. ओके इमाज न्यूमेरो. सो लेट्स से एनी इमेज नंबर, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन न्यूमेरो, दिस इज हाउ यू से व्हाटएवर. ओके क्वेश्चन न्यूमेरो 3, पाज न्यूमेरो 10, इमाज न्यूमेरो 5, व्हाटएवर, है ना. ओके सो दिस इज हाउ यू कैन से न्यूमेरो विद एन एक्सेंट. थैंक यू. ओके, सो दिस इज ऑन पाज न्यूमेरो 10. नाउ दीज आर एक्चुअली वेरी बेसिक. मतलब है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आप खुद से ही कर सकते हो. इस सब में डिस्कस करके भी अभी थोड़ा सा थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, पर ठीक है. बट आप ये खुद ही आप आगे बढ़ के करिए, क्योंकि बिकॉज आई एम ऑल्सो रेफरिंग टू माई पीपीटी ऑल्सो. तो कुछ कुछ ऐसा होगा कि इसमें एक दो चीजें स्किप हो जाए. मतलब नॉट द ग्रामर टॉपिक, नॉट एनी लर्निंग टॉपिक, बट दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन. सो यू मस्ट डू. ओके अब जैसे ये था ले प्रेनो ए लेनो. आई थिंक आई टॉट यू कि क्या होता है ले प्रेनो और नो. प्रेनो क्या होता है? फर्स्ट नेम. प्रॉपर नाउन्स हाँ, प्रॉपर नाम नहीं, फर्स्ट नेम. प्रे सॉरी फर्स्ट नेम्स या नो किया था ना हमने जब वो फर्स्ट लिसनिंग एक्सरसाइज की थी, नेम्स वाली, राइट. लिसन, सो प्रे नो फर्स्ट नेम एंड नो फर्स्ट इज नेम द एंड लास्ट लास्ट नेम नेम. हाँ, लास्ट नेम सो एक्रीवे ले प्रेनो ए ले नो द फैमिली दो ल फैमिली टाबलो इन द एंड टेबल. इनिशियली आई टोल्ड यू यू कैन यूज गूगल ट्रांसलेटर ऑल्सो, क्योंकि अभी या प्रैक्टिस करने के लिए आपको समझना जरूरी है. एक दो बार गूगल ट्रांसलेटर यूज करोगे सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, एंड देन यू विल मतलब उसके बाद आप खुद से समझ पाओगे. तो ये सब आपको खुद से करना है, इसमें मुझे आई डोंट थिंक सो कुछ. बट हाँ, व्हाट इज दिस वो जेथ, ये सब अभी हमने नहीं किया. आई विल टेल यू, बट यू हैव टू रीड, ठीक है. सो दिस वीकेंड यू मस्ट स्टार्ट विद लेसन नंबर 2 ऑन योर ओन, ठीक ओके है. टुडे वी विल डू दिस प्रोफेशंस ऑल्सो, सो दैट यू कैन कंप्लीट लेसन नंबर 2 एज अ होल, है ना. मतलब काफी क्वेश्चंस हैं रहेंगे, ओके यस तो हाँ, सो दैट एटलीस्ट यू हैव समथिंग टू डू और टू प्रैक्टिस और टू रिवाइज, यस है ना. नहीं तो फिर यस पता नहीं चल इट्स पाएगा क्या रिक्वायर्ड कहाँ से स्टार्ट करें, क्या उठाएं, है ना.
सो इन दिस लेसन वी हैव ले प्रोफेसियो प्रोफेशंस. प्रोफेशंस। अगेन देर आर सम रूल्स, लेट मी जस्ट टेक आउट. ओके सो फॉर ले, इसको रीड करो फ्रेंच में. ये सेम सिमिलर है, मैंने आई ओ एन एंडिंग वर्ड्स, इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू देर मोर और लेस देर आर सिमिलर, मोस्ट वर्ड्स आर सिमिलर इन ले, फ्रेंच इट्स ले इंग्लिश. प्रोफेशियो, हाँ थ्रे बिया ले प्रोफेसियो ले प्रोफेशियो। है ना. सो प्रोफेशंस ठीक है. अच्छा नाउ यू नो दैट फेमिनिन मास्कुलिन वाला थिंग इन फ्रेंच. जैसे अब हमने नाउन्स का रूल किया था दैट ई एंडिंग आर फेमिनिन ई एंडिंग इज फेमिनिन। है ना, तो एक रूल और लिख लो दैट आई ओ एन एंडिंग आर ऑल्सो फेमिनिन. आई ओ एन इज इट जैसे टेलीविजियो. सिंगुलर हाँ और सिंगुलर, अब सिंगुलर ये ना, सिंगुलर फेमिनिन प्लोरल हो गया, जैसे ऊपर जो टाइटल में लिखा है ले प्रोफेसियो या दैट इज फेमिनिन प्लोरल, एस बी लगा हुआ है ना, बट सिंगुलर में आई ओ एन है तो इट इज फेमिनिन. जैसे टेलीविजियो, पोल्यूशियो, वो जो जितने भी हमने वर्ड्स किए थे आई ओ एन एंडिंग वाले. ठीक है और एक रूल और लिख लो इसी के साथ, ए जी ई एंडिंग आर मैस्कुलिन. ए जी ई उसमें ई देखेंगे तो फेमिनिन लगेगा, बट ए जी ई दिखेगा तो वो मैस्कुलिन होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक लिख देती हूँ, ल फ्रोमाज, मतलब मैं ल या आ कुछ भी यूज कर, चीज, दिस मीन्स चीज. ठीक है ल पोताज, पोताज मतलब पोरेज. ठीक है सो वी हैव टू, हमने रूल किया था ई एंडिंग फेमिनिन होते हैं, बट बट ये हेल्पफुल हो लास्ट जाता थ्री है। लेटर्स भी आपको देखने पड़ेंगे. ठीक है मास्कुलिन तो ए जी ई है तो वो दे आर मैस्कुलिन. एक्सेप्शंस हैं इसमें वैसे, वो मैं लिखवा देती हूँ. कौन सा होता है, यून इमाज, इमाज इमेज फेमिनिन है, यून मैं यूज कर रही हूँ है ना, या फिर ला लीमा एल अपोस्ट्रोफी होगा इसलिए यून यूज किया है. यून प्लाज, प्लाज इज स्विमिंग पूल, सॉरी प्लाज इज बीच, बीच पी सी इज स्विमिंग पूल, प्लाज इज बीच. इमाज प्लाज काज, यून काज दैट इज अ केज. मैम ऐसे भी यू एन ही लगा है तो ऐसे ही फेमिनिन हो ही जाएगा ना वो। हाँ तो ये तो मैं लगा रही हूँ ना आपको बताने के अच्छा आप लिए. लगा रहे हो, ओके। हाँ ऑटोमेटिकली मतलब आई मीन आपको यही कल मैं एक ट्रिक यही बता रही थी कि जब भी आप, वेन एवर यू आर लर्निंग अ न्यू न्यू वर्ड इन फ्रेंच तो लर्न देम विद आर्टिकल्स, ताकि आपको माइंड में बैठ जाए कि अब जैसे फ्रोमाज है, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ चीज को क्या बोलते हैं, आप मुझे ये मत बोलो फ्रोमाज, आप बोलो लो ऑन फ्रोमाज, फ्रॉम मच लो फ्रॉम हाँ मच या लो फिर आ फ्रॉम फ्रोमाज, कुछ भी वो जो आपके माइंड में बैठ जाए मतलब ओके। है ना. सो ला प्लाज या कुछ भी बोल सकते हो, ला काज, राज, राज मतलब वही रेज वाला. और आई थिंक बस यही है, अभी तो इतने ही याद आ रहे हैं, ज्यादा नहीं होते बट दो चार यही होते हैं. ठीक है सो दे आर, दीज आर फेमिनिन. ठीक है ये बट अदरवाइज ए जी ई एंडिंग आर मैस्कुलिन. ठीक है सो यू हैव रिटन दिस. यस यस ठीक है सो ओमा कमोसे अवेक ले प्रोफेशनो प्रोफेशंस. ओके एलो प्रोफेशियो अगेन, ऑफ कोर्स जेंडर्ड तो होंगे क्योंकि फ्रेंच उसी के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है ना. सो इफ यू रिमेम्बर वी डिड वन प्रोफेशन ऑलरेडी, जिसमें आप अपनी इंट्रोडक्शन में आपने बोला था, व्हाट वाज दैट, आपका स्टूडेंट।
एथियोडियन, हाँ एथियोडियन। एथ्यूडियो, सो जब लड़के बोल रहे हैं तो एथियोडियन। एथ्यूडियो बोल रहे हैं, और इफ एनी गर्ल जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ फैमिली हाँ सो प्रोफेशंस आर ऑल्सो जेंडर्ड इन फ्रेंच, तो हम हाँ वी वर डिस्कसिंग एथ्यूडियो और एथ्यूडियोंट, फेमिनिन के लिए ई लग जाता है, तो यही रूल है। सो देर आर सर्टेन रूल्स व्हेन दिस प्रोफेशन एंडिंग विद IEN, ठीक है, तो द फेमिनिन इज वी एड डबल NE, मतलब इंस्टेड ऑफ जस्ट ई हमें NE लगाना पड़ता है, ईया बिकम्स EN, ठीक है। तो आप इसको ऐसे TEUR एंडिंग है प्रोफेशन कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक्टर, हाँ जैसे एक्टर बिकम्स एक्ट्रीस, एक्ट्रेस। हाँ तर बिकम्स त्रीस, है ना, एक्टर एक्ट्रीस, ठीक है। देन वी हैव EUR एंडिंग, ये अर्स बन जाता है, EUSE बन जाता है, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल शांता शांतर्स, ठीक है। एक यहाँ पे एक्सेप्शन आपको मिलेगा वैसे, ये वाला डायरेक्टर, ये EUR एंड, अच्छा फैक्टर भी है ना, सो फैक्टर डायरेक्टर दे बिकम फैक्ट्रीस डायरेक्ट्रीस, मतलब सॉरी एक्सेप्शन हो गया शांतर, एक तरह से आप समझ गए, शांत्रीस नहीं है शांतर्स है, संतोष, ठीक है। ये तो रूल के साथ ही संतोष। जाएंगे TEUR वाले, बट ये वाला जो है TEUR वाला शांत, ये शांतर्स होता है, शांत्रीज नहीं होता। ओके अभी आई, हाँ मैं आपको आपको आई गिव यू टाइम टू राइट आल्सो। और ER एंडिंग जो रहते हैं, सो लेट्स से इफ एनी प्रोफेशन एंडिंग विद ER, फॉर एग्जाम्पल हियर बूलांजे बिकम्स बूलांजेर, ई अक्सों ग्राव ए, हाँ बुलांश है ना, बूशे बूशेर बुशेर, ए, ठीक है। बुशेर। सो ऐसे क्यूजीनिये क्यूजीनियर, ठीक है। सो मैन दिस दिस इज लाइक, सो वी कैन जस्ट क्विकली रीड एक बारी हम, ओके सो फॉर दिस मच एनी वन स्टूडेंट कैन रीड, सो मे बी सो हम यू कैन स्टार्ट हाँ मास्कुलिन फेमिनिन बोथ वर्जन ऐसे, लावोका लावोकत तो फर्स्ट इज एडवोकेट। लागो का एंड लागो का, तो सो लड़का देन अगर कोई एडवोकेट है तो बोलेगा जी स्वी जावोका, ठीक है, ओके और अगर कोई लड़की है एडवोकेट तो वो बोलेगी जी स्वी जावोकात। तो आप एग्जाम में, मतलब व्हेन यू आर डूइंग स्पोकन फ्रेंच, ठीक है, किसी लड़की ने जाके जी स्वी आवोका बोल दिया तो पॉइंट्स कट गए ना, स्पीकिंग में सारे पॉइंट्स यही लूज होते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द मास्कुलिन फेमिनिन थिंग एंड टिल विच लेटर टू प्रोनाउंस, कितना पढ़ना है मतलब बोलना है ना। हाँ ओके okay. ल को मैं हाँ कौन, वेरी गुड। पूरा एंड को नहीं पढ़ा ये, फेमिनाइन, पूरा पूरा पढ़ो, दोबारा पढ़ो। ल को मैं कौन, कौन, कोमेर्सों, सी के नीचे से दी सो लगन अच्छा हाँ, कोमेसों, सो बन जाता है कोमेर्सों। कोमेसों, एंड फॉर फेमिनिन इट गोज टू ला कोमेसों। तो हाँ तो बोलना जरूरी है कोमेर्सोंट, शॉपकीपर। शॉपकीपर, आई शेयर देन दिस इमेज इन द ग्रुप, ठीक है, ये वाले आप बाद में लिख ओके लेना। या देन
बट अभी आप लोग साथ में जो जो लिख सकते हैं आप लिख लिख लो प्लीज। ले त्री सियों हाँ, सो ले लेक, ले लेक, तो ले लेक त्री ले ले सिया। त्री सियों हाँ है ना। एंड ले ले त्री सी यो नो सीएन, ईएन, ये ईया सीएन है, ये ईएन है। ओके सो सीएन इलेक्ट्रीसिया, इलेक्ट्रीसियन, ओके ठीक है। ऐसे मेकानिसिया, मेकानिसियन, मेकानिसियन मैकेनिक है ना। सो देन लास्ट में वो ईएन साउंड आएगा ना हाँ, उसमें ईएन। ओके okay. और आप देखेंगे ले ये रूल, जो ये रूल मैंने अभी जैसे प्रोफेशंस इंट्रोड्यूस करने के लिए ये लिखा है, बट दिस रूल अप्लाइज विद ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स, या फिर आप कह लो वर्ड्स, जो भी आई ई एन एंडिंग वर्ड्स होंगे उसका फेमिनिन आई ई एन एन ई होगा। तो ये एक एक्चुअली जनरल रूल है, ठीक है, प्रोफेशन में अप्लाई हुआ है। तो ऐसे ही एडजेक्टिव्स में होगा या नेशनलिटीज में होगा, ठीक है, जब हम करेंगे। तो ये रूल, हाँ, यू हैव टू लर्न दिस रूल, आई मीन यू नीड टू नो। लो म्यू सी म्यूजिशियन, म्यू सी यो म्यू सी यो म्यूजिशियन एंड म्यूजी सियो म्यूजिशियन, ला म्यूजिशियन सॉरी म्यूजिशियन ला तूर पर तोर, और ईव इज अ, सो एक्टर, लक्टर। लगते एंड इस फॉर फेमिनाइन इट वुड बी लगते त्रीस, लगत्रीस ओके हाँ लाख ये चेंज होता त्रीस। है तर और हाँ त्रीस प्लीज, मैं बार बार अब बोल रही हूँ, आप लोगों को रीडिंग जल्दी से आपको कैचअप करना पड़ेगा। अब ये वाला वीक मैं नहीं हूँ, तो जस्ट थिंक कि हम फाइव टू कैचअप सिक्स या जो भी करेंगे रहे आपका, जैसे मैं नहीं हूँ तो आई मीन आई वॉन्ट यू टू मीन हैव अ लिटिल मोर स्पीड इन रीडिंग ओके थिंग, ठीक है। तो हाँ, आई विल ओके शेयर दिस पिक्चर इन द ग्रुप, ठीक है। सो व्हेन यू विल राइट इट इन योर नोटबुक, सो जस्ट रीड, प्रोनाउंस इट इन ऑन योर ओन एंड देन राइट, ठीक है। मतलब रीड करना है, ओके ठीक है। सो दिस इज वन इमेज, दिस इज द सेकंड। सो देर आर सो मेनी प्रोफेशंस, बट ऐसा आपको लग रहा है कि कुछ प्रोफेशन जो आपका वाला है, कुछ आपको पता है उसमें नहीं है, सो दैट यू कैन ऑलवेज गूगल, नॉट गूगल, फाइंड इट इन द डिक्शनरी। प्रोजेक्ट हाँ ठीक है, एंड देन यू कैन ऐड, जैसे कि बिजनेस मैनेजर या जो भी आपको ऐसा कुछ लगता है वर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, नीचे जो रेड, यस मैम स्टार की है सब हाँ ये जो रेड स्टार्स लगे हुए हैं, नाउ व्हेन द प्रोफेशन एंड्स विद ई, ऑलरेडी ई है मास्किलिन में, सो द फेमिनिन मास्किलिन वर्जन में यू डू नॉट हैव टू ऐड एनी एक्स्ट्रा ई, ठीक है। ओके सो आफ्तीस्त, आफ्तीस्त, जो स्वीज आर्टिस्ट आफ्तीस्त, मास्किलिन भी ई बोलेगा, हमरन भी वही जो बोलेगा स्वीज आफ्तीस्त। सिमिलरली दौंतीस्त, दौंतीस्त, ओके। जूर्नालिस्ट, जूर्नालिस्ट, पैंथ, पैंथ, पीलोट, पीलोट, सेक्रेटेर, सेक्रेटेर, वेटरिनेर, वेटरिनेर। सो दीज प्रोफेशंस आर ऑलरेडी एंडिंग विद ई इन द मास्कुलिन फॉर्म, रिमेन सेम इन द फेमिनिन, ठीक है। वेयर एज वी हैव फ्यू प्रोफेशंस लाइक इंजीनियर, सो इट रिमेन्स सेम, सो दे आर न्यूट्रल, ठीक है। इसमें एंड ई लास्ट ऐड नहीं, थ्री इंजीनियर में ई ऐड नहीं होगा, ठीक है। बट आप ना वैसे सेम इज समवेयर विथ यू विल लाइक सी, क्रियो ना हाँ, राइटर एक्रीवा, क्रीवा इवन विथ प्रोफेसर, ठीक है, दीज आर ओके न्यूट्रल। एक्रीवा मीन्स एक्रीवा, मेदिसा, मेदिसा, ओके।
बट आप किसी किसी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे देखोगे कोई प्रोफेसर लिख रहा है तो फिर ई भी लगा हुआ होगा, प्रोफेसर सम फेमिनिन वाले ई इंजीनियर ई में लिख लेते हैं, बट जनरली दिस एक्चुअली मैन डू नॉट कौन एग्जिस्ट. ठीक है, सो दे दीज आर न्यूट्रल व्हाट यू से प्रोफेशंस. ठीक है, सो अच्छा, सो दिस इज वन थिंग. सो दिस ऑफ कोर्स यू हैव टू लर्न. ठीक है, राइटर को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं. सो प्रोफेशंस तो याद होने ही चाहिए बिकॉज फॉर आवर टेफ टीसीएफ एग्जाम व्हेन वी हैव टू राइट स्टोरी, अगर टेफ कर रहे हैं तो स्टोरी राइटिंग होता है उसमें, तो फिर उसमें तो ऑफ कोर्स वोकैबुलरी वगैरह तो चाहिए, प्रोफेशंस भी, और टीसीएफ में भी एज सच है ना, बट यू यू नीड टू नो. ठीक है, सो यू आर इन द बुक ऑन पाजनी मेहो ओन्स, वी हैव द सेम टॉपिक ले प्रोफेसियों. सो जो मैंने अभी समझाया था सेम थिंग इज गिवन हियर, जस्ट एक बार ही आप एक बार ही रीड कर लो, या फिर इसका ऑडियो है, लेट्स जस्ट प्ले दी ऑडियो ऑल्सो. सो आप लेट्स सी क्या है, कैसा है ऑडियो. अच्छा, मुझे ना एक रूल बताना है. द रूल इज दैट, लिख लीजिए रूल, विद प्रोफेशंस वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स, मतलब व्हेन वी आर सेइंग, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वंस प्रोफेशंस, लाइक समवंस प्रोफेशंस अपना या किसी का भी. फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है आई एम अ टीचर, जैसे इंग्लिश में तो मैं यही बोलूंगी आई एम अ टीचर, अ टीचर बोलूंगी, बट इन फ्रेंच में जे सुई प्रोफेसर ही बोलूंगी, यून प्रोफेसर नहीं बोलूंगी, या फिर ला प्रोफेसर नहीं नहीं बोलूंगी. बोलूंगा। ओके, सो वी नेवर यूज आर्टिकल्स विद प्रोफेशंस. ठीक है, ओके सो इफ इफ यू रिमेम्बर हमने कहा था स्टूडेंट जे सुई एट्यूडियंट, या फिर जे सुई एट्यूडियंट, यून और आ नहीं लगाना. ठीक है, विद ओके या विद एथर, मतलब एथर के साथ, मतलब जब हम अभी अपने एथर नहीं किया है एक्चुअली, ये मेरे को आज कराना था प्रोफेशन से पहले, बट मैं प्रोफेशन के बाद ये वर्ब करवाऊंगी बिकॉज वी नीड टू नो व्हाट इज दिस. ओके, सो वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स, और ये मैंने बताया है, मैं दिस आर प्रोफेसर, दीज आर न्यूट्रल प्रोफेशंस, एंड दीज रूल्स ऑल्सो वी हैव डन. ठीक है, यस सो आई जस्ट गिव यू 2 मिनट्स, वी कैन डू दिस एक्सरसाइज एंड फटाफट से ओके वी कैन हैव द क्लैरिटी. आपको जस्ट 2 मिनट्स दे रही हूँ, ये करो क्वेश्चन नंबर 1 इन योर नोटबुक, एंड मीन माइल आई विल शेयर दी इमेज. हाँ, एक रिवेले प्रोफेसिया ओ फेमिना, क्वेश्चन समझ में आ गया था ना, वैसे मैंने इसलिए डिस्कस नहीं या किया. हाँ ओके, एथर सो या लेट्यूडियो बिकम्स दियोंत दियोंत ट्रेबिया, लेट्यूडियोंट. तो हाँ देन नेक्स्ट. बी ला बी बुलोन आर ई ए आता है मतलब बुलोन शहर, ऐसे ही बोलना है, बुलोन शहर, प्रोनाउंसिएशन बुलोंजेर ल बुलोन बुलोंजेर जे ला बुलोन जेर, लाभ लॉन्च है एक्सेंट ग्राव है. देन नेक्स्ट पार्टी से जर्नलिस्ट जूना लिस्ट सेम ही ल रहेगा ना ये सेम जूर्नालिस्ट. हाँ बिकॉज इट इज ऑलरेडी ही ई आएगा एंडिंग, ना ऑलरेडी ई है हाँ या लेस यहाँ पे दिया या एग्जाम आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट. देन ला डायरेक्ट डायरेक्ट्रिस, डायरेक्ट्रिस डायरेक्ट्रिस, वही, डायरेक्ट्रिस वेरी गुड. तोर बिकम्स त्रिस है ना. ओके, डायरेक्ट्रिस. ओके
लो सहवर, ला से ई यू आर, ईआर का, ईआर का ट्यूस, ट्यूस ट्रीज़ ये लिखा तो है यहाँ पे भी, रेफरेंस दिया हुआ है। या यस इट विल बी ट्रीज़ सर्वियस, ट्रीज़ ट्यूस, अज, सर्वियस, सॉरी यूएसए। अज ईयू एस ई करी हाँ तो अज कैसे सर्वियस बोलेंगे, सो सर्वियस, ला सर्वीज सर्व ला सर्वर्स, सर्वर्स, ओके सर्वर्स या सर्वर्स, सो ये रूल है इसमें, सर्वर्स ठीक है। डायरेक्टर वाला रूल था, डायरेक्टरीज, जर्नलिस्ट इज लाइक दिस सिमिलर, इसमें ई एंड ऐड हो जाएगा बस, है ना, ऐसा वाला रूल हुआ। ई आर का ये रेफरेंस हो गया। एह नौ फार्मासिया, फार्मासी फार्मासीज ला फार्मासियन। ना फार्मासियन ठीक है, सो लेट्स जस्ट क्विकली लिसन टू दिस ऑल्सो। ठीक है, कैसे ऑडियो में बोल रहे हैं थोड़ा सा सुनते हैं, एंड देन आई विल इंट्रोड्यूस यू टू द वर्ब्स टुडे बिकॉज यू हैव 1 वीक टू एक्चुअली गो थ्रू, विच आई फील यू कैन यूज दैट टाइम, नहीं तो पाइल अप हो जाएगा चीज। तो जितना भी मैं मतलब वॉट एवर वी आर डूइंग और वी हैव डन टिल नाउ, प्लीज आई मीन रिवाइज और यस लॉन, लॉन मैं बोलूंगी एक्चुअली, रिवाइज क्या बोलना, लॉन बोलना पड़ेगा अभी तो, है ना। सो ऑडियो नंबर 15, कैंस। सो ट्राई की अब जैसे आप मतलब वेर एवर लाइक इफ यू सी एनी बुक पेज नंबर तो उसको फ्रेंच में बोलो खुद ही। सीक्वेंस 2 वोकैबुलेर लेस प्रोफेशंस ले फेमिनिन दे प्रोफेशंस इकूटे et répétez. Il est architecte. तो वो Elle est सेंटेंस architecte. सेंटेंस बोल रहे हैं, इल और एल, ये मैं आज सिखाऊंगी। Il est avocat. ही इज एडवोकेट, Elle est avocate. शी इज एडवोकेट, लाइक दैट। Il est musicien. इल ए ये वाला। Elle est musicienne. Il est boucher. इल ए Elle est bouchère. Boucher. Il est danseur. Les danseurs. Elle est danseuse. Il est acteur. Elle est actrice. Exception, il est Exception. chanteur. Il est chanteur. Elle est chanteuse. जो हमने किया था टी यू आर, है ना, Je या suis ई आर को। infirmière. Il est journaliste. Vous êtes étudiant. Il est médecin. Elle est médecin. Il est professeur. Elle est professeur. ठीक है, सो यू सी हाउ द एक्सेंट, आई मीन ऐसे हमें बोलना है मतलब इसी मंथ में, ठीक है, तो इसीलिए यू हैव टू प्रैक्टिस रीडिंग। ओके, सो दिस इज क्लियर, प्रोफेशंस, यस मैम, द यस रूल्स एंड ऑल द यूसेज, अभी हम बताएं, मैं आई मीन आई विल टेल यू कि जैसे मैंने आपको रूल बताया था आर्टिकल्स नहीं लगते, बट व्हाट इज इनडेफिनेट दिस आर्टिकल्स एत्र एंड नहीं ऑल, हाँ वो आज हम वो वर्ब्स करेंगे। सो आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू द वर्ब्स, तो जिस दिन मैं वर्ब्स इंट्रोड्यूस समझो, अगर मैंने कर दिया मतलब योर एक्चुअली एक्चुअल फ्रेंच लर्निंग जर्नी हैज बिगन, बिकॉज वर्ब्स स्टार्ट कर दिया तो मतलब फिर चीजें ऑलरेडी मतलब वो हो चुकी हैं, तो आपको काफी फिर अब पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है, बिकॉज इन वर्ब्स को इंट्रोड्यूस करने का मतलब होता है दैट वी आर एबल टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस. ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक एक डाउट था, इसमें सिर्फ इंडेफिनिट आर्टिकल्स नहीं यूज होंगे ना प्रोफेशंस में? हाँ नहीं, जब हम एत्र वर्ब यूज कर रहे हैं, मैं वही आज सिखाने वाली हूँ. मतलब जब हम किसी के अच्छा बारे, जैसे किसी के बारे में बोल रहे हैं, मतलब आई एम अ प्रोफेसर, ही इज अ, तब जो वो आई एम इज और ये सब लगता है तब नहीं. बट जब हमें कुछ और अच्छा बोलना है दैट द थर्ड पर्सन प्रोफेसर के लिए गोज टू द स्कूल, तो तब तो हमें द प्रोफेसर के लिए ला प्रोफेसर या ल प्रोफेसर लगाना पड़ेगा. जब एत्र अच्छा वर्ब ओके आएगी, अभी हमें वो वर्ब हाँ बता रही हूँ, मतलब है ना, जब हम किसी के बारे में बता रहे हैं. अच्छा, इसलिए वो एक्सरसाइज में ला और ये हाँ था। ओके हाँ इल ए एल ए, ही इज शी इज. ओके 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 तो आज ना मैं वर्ब इंट्रोड्यूस कर ही देती हूँ, फिर एक दो बीच में छोटे छोटे सी चीजें हैं वो बीच में कर लेंगे. बट लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द वर्ब्स. सो वैसे क्या होते हैं वर्ब्स इंग्लिश में? आईएनजी रनिंग है. अरे आईएनजी आईएनजी हाँ आईएनजी वर्ब लाइक क्या होता वर्ड्स है, मतलब एंडिंग काम काम, डूइंग एनी काइंड एक्शंस ऑफ डूइंग वर्ब, एक्शंस एक्शन डूइंग वर्ड. एक्शंस हाँ या काम काम है ना, एक्शन वर्ड इज अ वर्ब. तो अभी जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग, तो इट इज स्पीकिंग इज द वर्ब, स्पीक टू स्पीक इज द वर्ब. ठीक है, आई लर्न, आई स्पीक, आई गो, आई वॉक, आई जो भी है. सो ये सारे वर्ब्स हैं, वॉक है ना, वॉक, लर्न, स्पीक, वॉच, वट एवर. सो फ्रेंच में ले वेर्ब इन फ्रेंच एज इन इंग्लिश द वर्ब्स आर कॉन्जुगेटेड टू मैच देयर सब्जेक्ट्स, दैट इज अ पर्सन, थिंग, प्लेस और एन आइडिया. ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगी विद एग्जाम्पल, बट द कॉन्जुगेशंस आर लिटिल डिफरेंट एंड समटाइम्स इरेग्युलर. ठीक है, अभी बताएंगे इसे. वर्ब्स आर कॉल्ड इरेग्युलर व्हेन देयर कॉन्जुगेशन चेंजेस विद ईच सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल एट. तो आई थिंक इससे पहले मुझे आपको एक चीज बतानी जरूरी है, उसकी स्लाइड नहीं बनाई थी, थिंक आई शुड मेक इट, बट लिख लीजिए नोटबुक में. इन फ्रेंच देर आर थ्री ग्रुप्स ऑफ वर्ब्स. ठीक है, थ्री ग्रुप्स ऑफ वर्ब्स होते हैं. फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप. द फर्स्ट ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ई आर एंडिंग वर्ब्स. आज ये एक मिनट, इसकी स्लाइड है वैसे, एक सेकेंड. लेट मी जंप टू दैट स्लाइड. हाँ ये है. इसको हटा देते हैं. सो इन फ्रेंच द वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स. ठीक है, दे आर फर्स्ट ग्रुप, वर्ब्स हुज इन्फिनिटिव एंड्स इन ईआर. वैसे आपको पता है इन्फिनिटिव क्या होता है और कॉन्जुगेशन क्या होता है, वो मैंने ऊपर अंडरलाइन किया था, बट ठीक है मैं बताऊंगी ये. ठीक है, फर्स्ट ग्रुप होते हैं ईआर एंडिंग वर्ब्स, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ईआर एंडिंग वर्ब्स ऐसे लिख सकते हो. सेकेंड ग्रुप होता है आई आर एंडिंग वर्ब्स. ठीक है, आई आर को इन्वर्टेड कॉमास में डाल दो, आई आर एंडिंग वर्ब्स. और थर्ड ग्रुप होता है आर ई एंडिंग वर्ब्स. ठीक है, प्लस इसके अंदर सारे इरेग्युलर वर्ब्स भी आ जाते हैं. जो थर्ड ग्रुप होता है, लास्ट ग्रुप जो होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल द इरेग्युलर वर्ब्स. इरेग्युलर कौन से होते हैं? जिनका कॉन्जुगेशन रूल के अगेंस्ट होता है, मतलब उनको हमको याद करना पड़ता है बेसिकली. इरेगुलर वर्ब्स को वी नीड टू लर्न देम. और जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं उनका, जैसे मैंने बताया अभी ई आर एंडिंग है, तो एक पैटर्न होता है दैट वी हैव टू लर्न, एंड देन
यू कैन कॉन्जुगेट ऑल द ई आर एंडिंग वर्ब्स फॉलोइंग दैट पैटर्न. सो देयर इज सिमिलरली आई आर एंडिंग वर्ब्स जो होते हैं, तो आई आर एंडिंग का एक पैटर्न होता है. तो कोई भी आई आर एंडिंग वर्ब मिल जाएगी आपको, तो बिना मतलब आपको याद किए यू कैन जस्ट फॉलो दैट पैटर्न एंड कॉन्जुगेट. बट इरेगुलर में कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं, दैट इज वाई वी नीड टू लर्न देम. तो अभी मैं ये थ्री ग्रुप्स पे नहीं जाऊंगी टूडे. वी विल जस्ट अंडरस्टैंड द थ्री बेसिक वर्ब्स इन फ्रेंच. तो जो मैंने अभी बताया था दैट थर्ड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ इरेग्युलर वर्ब्स, है ना. तो ये जो इरेग्युलर वर्ब्स हैं, ये जो तीन वर्ब्स हैं, ये एक्चुअली इरेग्युलर वर्ब्स हैं, बट दे आर एवरीडे यूज्ड वर्ब्स. दे आर द मोस्ट कॉमन वर्ब्स, मतलब क्योंकि टू हैव ये तो बट हम एवरीडे यूज करते हैं ना. मतलब आई हैव टू गो टू द क्लास, आई हैव टू वर्क, आई हैव थ्री पेन्स विद मी, है ना. ये तो एवरी डे वर्ब्स हैं. ऐसे ही टू गो इज ऑल्सो वेरी कॉमन. और एथ्रो मीन्स टू बी, आई एम, यू आर, ही इज. ये इतना समझ में आया अभी, ये थ्री ग्रुप्स जो मैंने बताया. फर्स्ट यस ग्रुप, सेकेंड यस ग्रुप, थर्ड ग्रुप, ई आर एंडिंग, आई आर एंडिंग, आर ई एंडिंग एंड ऑल द इरेग्युलर वर्ब्स. ठीक है. अब जैसे इंग्लिश में होता है आई यू ही शी, ऐसे होता है ना. तो एक ये टॉपिक है, पहले ये वाला टॉपिक करते हैं. ये ऐसे ही आप लिखो, ले प्रोनाउंस यू जे, सब्जेक्ट प्रोनाउंस, सब्जेक्ट प्रोनाउंस. जैसे आई यू ही शी, उसको फ्रेंच में क्या कहते हैं, आज पहले वो करते हैं. आई यू ही शी नहीं पता होगा तो आगे कैसे करेंगे, वॉक टॉक. अच्छा आई मीन सिंगुलर मैं ऐसे आपको लिखवा रही हूँ. मैं आपको आज ये बताऊंगी कि इन्फिनेटिव क्या होता है, कॉन्जुगेशन क्या होता है. लेट मी जस्ट फर्स्ट राइट. यू कैन ऑल्सो राइट मीनवाइल. एक तो आई एम वेरी बैड एट दिस टेक्नोलॉजी, मतलब एनीवे मैम आई एम इतना नॉट हो रहा वेरी है काफी है। फास्ट. हाँ इतना ये भी कोविड के बाद से मतलब मजबूरी में करना पड़ा है, नहीं तो हाँ सब कुछ फिजिकल क्लास ही कर लेंगे फिर। मतलब आई हैड माय ओन इंस्टीट्यूट, आई स्टिल हैव इट, बट अब वो किसी और पर्पस से वो वेयर हाउस टाइप बन चुका है क्योंकि बट सो इट वॉज ऑल फिजिकल. बट ठीक है, इट इज गुड फॉर टीचर्स ऑल्सो. आई मीन वी गेट बिजनेस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड नाउ, दैट इज हाँ गुड मैं वही ऑल्सो. बोलने वाला था। देख हाँ आप ऑनलाइन ये प्रोवाइड कर रहे हो क्लासेस तो यू आर हाँ ऑल्सो मतलब एबल टू कनेक्ट। और बहुत अच्छा, मतलब अच्छा ही हुआ एक तरह से. एटलीस्ट वी आर एबल टू डिलीवर आर नॉलेज ऑल्सो, मतलब तो हम भी सीखते हैं, तो वी कैन एक्सेस गुड एक्सपीरियंस टीचर्स फ्रॉम एनी वेयर. सो दिस इज ऑल्सो गुड. आइदर इट वाज डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट इनटू दिस Difficult for you too? To get into this, to Like learn learn French and all, French, it's yeah. like अच्छा. it's not possible to get time to travel and to go some place हाँ and to learn राइट this. राइट 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 ये तो है. ओके सो ले प्रोनोस यूजे, ले प्रोनोस यूजे सब्जेक्ट प्रोनाउंस. ये ना कुछ चीजें फ्रेंच में उल्टी होती हैं, जैसे प्रोनाउन सब्जेक्ट लिखा है ना यहाँ पे एक्चुअली. तो ये चीजें बाद में समझेंगे कि क्या क्यों उल्टा है, कैसे है, क्या है. ठीक है, बट अभी जस्ट यू कैन, दिस इज द ग्रामर टॉपिक बेसिकली. ले प्रोनाउंस यूजुअली मतलब सब्जेक्ट प्रोनाउंस. सब्जेक्ट प्रोनाउंस मतलब यही होते हैं ना, जैसे शिवानी इज अ नाउन. ठीक है, शिवानी लिव्स इन दिल्ली, शिवानी टीचेस फ्रेंच, शिवानी क्या कहते हैं गोज टू मार्केट. तो शिवानी शिवानी, इन ऑर्डर टू अवॉइड रेपिटेशन वी यूज अ प्रोनाउन राइट. सो इंस्टेड ऑफ शिवानी वॉट वी विल यूज शी.
तो है ना, सो दीज आर द प्रोनाउंस. सो यहाँ पे मैंने ऐसे सिंगुलर लिखा हुआ है बिकॉज दिस इज द सिंगुलर प्रोनाउन और दिस दीज आर द प्लोरल. तो मतलब जब हम, सो व्हाट इज द प्लोरल, सो सो आई को क्या बोलते हैं फ्रेंच में, जो ज, एंड जो व्हाट्स द प्लोरल ऑफ ज, आई का प्लोरल क्या होता है, आई का भी होता है. वी, तो इसलिए सामने है. ठीक है, ओके ज का प्लोरल क्या हुआ, वी नू. हाँ, जो नू, ओ ब्लू नू. ट्यू का प्लोरल वो वू, वो ये भी यू हो गया, और ये यू, इसको यू ऑल कह दो चाहे. मतलब जब जब मैं एक जने से बोल रही हूँ तो मैं ट्यू ट्यू बोल रही हूँ, है ना. जब मैं आप तीनों से बात कर रही हूँ तो मैं आपको वू बोल रही हूँ. ठीक है, ईल ईल, वेरी गुड. इसका प्लोरल ये भी ईल ही ईल, ये भी ईल, होगा ना एस नहीं बोलेंगे इसमें, एली है ना, ईल ईल, बट है ना. सो दिस इज मैस्कुलिन प्लोरल, इसलिए ऐसे लिखा है, ईल दे. एल है ऐसे एल एल फेमिनिन, शी इज अ गर्ल और शी इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग. ठीक है, एल जू, एल जू, मतलब जू इज द वर्ब टू प्ले. ठीक है, सो आपको ऐसे इसको इसी ऑर्डर में ही याद करना है, ज च्यू ईल एल, नू वू ईल एल. ऐसा नहीं हो सकता ट्यू ऊपर आ गया, ईल उधर जो नीचे चला गया, ये कुछ नहीं हो सकता. मतलब दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न, ज च्यू ईल ओके एल, नू वू ईल नूवू एल. इल एल हाँ जो टू इल एन ठीक है. तो अभी जैसे यहाँ पे हम कुछ बोल रहे थे, दो वर्ड्स कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेशन, और उधर हम एक वर्ड पढ़ रहे थे इन्फिनिटिव. इनफिनिट ठीक है, तो चलो वो मैं इस वाली स्लाइड से समझाती हूँ. नाउ आज मैं सिर्फ एक नहीं, मैं तीनों ही आज आपको करा दूंगी. आपको मैं स्क्रीन क्लिक करके भेज दूंगी, आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है. बट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू दिस वर्ड फर्स्ट. नाउ द सिंपल बेसिक वेरी कॉमन वर्ब इज आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम अ प्रोफेसर, या जो भी, मतलब शी इज अ गर्ल, यू आर, वॉट एवर, है ना. तो उसको हम फ्रेंच में क्या बोलते हैं, आई एम को फ्रेंच में क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे हुआ ये. सो बेसिकली दिस, देर इज दिस जस्वी वर्ब कॉल्ड एत्र. इंग्लिश में तो टू बी हुआ ना. जस्वी जब हम हिंदी से इंग्लिश याद करते हैं, या फिर जब हम इंग्लिश याद करते हैं तो हिंदी से रिलेट करते हैं. अब मुझे हिंदी नहीं पता इसका क्या होता है टू बी का, और हिंदी में वर्ब भी क्या होती है मुझे नहीं पता. बट है ना, सो टू बी इन फ्रेंच इज एत्र. ठीक है, नाउ एत्र इज अ वर्ब जिसको कि हम बोलते हैं, मतलब ये पूरी एक वर्ब है, मतलब है ना, ये इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव फॉर्म. इन्फिनिटिव फॉर्म है, मतलब अभी ये क्या बोलते हैं उसको, रॉ रॉ वर्जन है, मतलब रॉ फॉर्म में. ठीक है, जब हमने एत्र को ऐसा कॉन्जुगेट कर दिया इन वाले प्रोनाउंस के साथ, आई यू ही शी के साथ, तो एत्र का कॉन्जुगेशन हुआ जे स्वी, विच मीन्स आई एम. ट्यू, ये इरेगुलर वर्ब है, इसलिए ये आपको पूरी वर्ब याद करनी पड़ेगी, इसका कोई रूल नहीं है एक्चुअली. ट्यू ए मतलब यू आर, ये पढ़ो एक बार. जे ठीक है स्वी हाँ स्नेहा, आप पढ़ो. इल आप पता नहीं, आप साइलेंट रहते हो. आई नो आप समझ कहाँ रहे खो होते हो, गई बट है आप साइलेंट रहते हो. कहाँ गई, क्या हुआ? स्नेहा स्नेहा वेयर आर यू ये सच में नहीं है. ओ आई हैव बीन ऑन म्यूट फॉर सो लॉन्ग ओ माय गॉड हाँ अच्छा. आई जस्ट ओ, मतलब रियलाइज्ड आई दैट थॉट आई कॉट यू, आई मीन मतलब यू आर बट एक्चुअली यू आर बोल रही हो फिर भी स्लीपिंग मुझे नहीं यू आर पता है कि मैं स्लीपिंग म्यूट पे. नो यू आर स्लीपिंग यू आर स्लीपिंग ओ या ओके मैं, ओके ओके. ओके लेट्स गो लेट्स गो सो या, सो यू जस्ट सो रीड दिस स्टार्टिंग होल वर्ब, द कॉन्जुगेशन ऑफ दिस वर्ब. अच्छा, तो ये मैं क्या बताती, एत्र जो है ये रॉ फॉर्म में जब ऐसा वर्ब लिखा होता है ना, जैसे पीछे लिखा था यहाँ पे,
अबुआर, आले, ये रॉ उनका ये नाम है, तो ये इन्फिनिटिव वर्जन होता है, ये इन्फिनिटिव है, बट जब हम इनको ऐसे कॉन्जुगेट कर देते हैं विद दिस प्रोनोस आई यू ही शी वी यू दे के साथ, तो ये पूरा इसका कॉन्जुगेशन है, मतलब दिस इज द कॉन्जुगेशन ऑफ द इन्फिनिटिव वर्ब एत्र। तो ऐसे ही इंग्लिश में भी अच्छा जो इन्फिनिटिव्स होते हैं वो ये ही होते हैं, टू वॉक, टू गो, टू राइट, टू वॉच, टू स्लीप, बट जब हम उसको कॉन्जुगेट कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं आई आई एम स्लीपिंग, यू आर स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, शी इज स्लीपिंग, वी आर स्लीपिंग, दैट इज द कॉन्जुगेशन ऑफ द इन्फिनिटिव वर्ब टू स्लीप। समझ में आया ये दो टर्म्स, इन्फिनिटिव और कॉन्जुगेशन? ओके ठीक है, तो अब ये कॉन्जुगेशन है एत्र वर्ब की, तो अब आप ये पढ़ो। Je हाँ, वेरी गुड। वी suis. Tu टू ए es. Il est. एल ए वे Elle est. The plural part now. यस यस No song. नो सॉम, वेरी गुड। वो रहते अब लिएजॉन करो यहाँ पे, वो जेत एत, ये वो हाँ वो जेत। जेता इल सौ सौ, अलग अलग दोनों पढ़ेंगे है ना, इल सौ सौ एल सौ ट्रेबिया, एल सौ, ठीक एल है। सौ हाँ, सो यू स्वी, अब जैसे सपोज आपको बोलना है आई एम स्टूडेंट या आई एम इंजीनियर, तो आप बोल रहे हो यू स्वी इंजीनियर, आपको बोलना है ही इज एडवोकेट, तो आप बोल रहे हो इले ए आबोका, तो ये वो है ना, आई एम, यू आर, ही इज, शी इज, वी आर, यू आर, दे आर, ठीक है। ऐसे समझ में आया है मतलब क्या है ना, अभी ऐसे ही ना बहुत सारे वर्ब्स होंगे फिर, यू अंडरस्टूड ना, मतलब तो ऐसे ही याद करना पड़ेगा प्रोफेशन एथ्र बिकॉज इट इज रेगुलर वर्ब, और ये नोट हमने पहले ही सारे कर बाई हार्ट लिया करना पड़ेंगे। सारे, नहीं ये जो इरेगुलर होते हैं ना वही बता रही हूँ, ये एत्र, आबुआर, आले, ये तो मेन वर्ब्स हैं। और एक चीज हाँ बता भी देती हूँ, विदाउट दीज थ्री वर्ब्स यू कैन नॉट लर्न फ्रेंच, और यू कैन नॉट लर्न एनी टेंसेस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, कंडीशनल और एम परफे, प्रिस्कु परफे टेंसेस होते हैं फ्रेंच में है ना, इन इंग्लिश में भी होते हैं बट वो हमने कभी डीपली नहीं पढ़ा इसलिए याद नहीं, ठीक है। तो ये इनके बिना ओके आप कोई भी टेंस नहीं कर सकते, तो अगर मैंने इसको आज इंट्रोड्यूस करा दिया है दैट मीन्स यू नीड टू बी थरो विद दिस वर्ब बाय नेक्स्ट वीक, तो मतलब आपको इस वर्ब को कम से कम 5 5 10 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो ऐसे जो स्वीचुए ऊपर वर्ब का नाम लिखो, ऐसे ब्रैकेट में इंग्लिश मीनिंग लिखो, ये जरूरी नहीं है लिखना क्योंकि ये तो आपको पता ही है, ठीक है। मतलब जो मैं है ना सिंपली जो स्वी चुए इले एल ए नू सॉम वु जेत इल सॉम एल सॉम, ऐसे टिप्स पे याद होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली वी हैव दिस वर्ब अवुआर, ये होता है टू हैव, तो अवुआर क्या है, इन्फिनिटिव फॉर्म, और ये अवुआर का कॉन्जुगेशन है फ्रेंच में, जे थ्यू आ इल आ एल आ नू जावों वू जावे इल जों एल जों इल जों एल जों, और ज का हो गया, अगर आप इसको इल सों बोलोगे तो वो एत्र लगेगा साउंड, वो ये लगेगा इल सों, अच्छा तो ये जों है अब वो आर, दे हैव इल जों, ठीक है। ये मैं एक बार ही इसका पिक्चर क्लिक करके मैं भेज दूंगी ये भी ग्रुप में, बिकॉज आई वांट यू टू एक्चुअली नोट इट डाउन, क्योंकि एक हफ्ता का ब्रेक है तो इसलिए ये चीजें मैं इसलिए आज फटाफट से मैंने ऐसे थोड़ा सा करा दिया,
तो ये वाला भी ना मैं अभी ग्रुप में भेज रही हूँ, तो जस्ट एक बारी रीड करके आप खुद ही समझ जाओगे, वैसे इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। और एक ये वर्ब है आले, अगेन दिस इज ऑल्सो रेगुलर वर्ब टू गो, ठीक है, ये इसका ओके कॉन्जुगेशन है। तो दीज थ्री वर्ब्स एक्चुअली यू हैव टू लर्न, यू हैव टू मेमोराइज देम, ठीक है। तो और ये इसके ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ये तो आप खुद ही कॉमन से ही समझ है। जाओगे जब आप ये देखोगे ना। तो ओके ठीक है, आई वॉन्ट यू टू एक्चुअली जो नेक्स्ट वीक है, एक तो रिवाइज करना है पिछला आर्टिकल्स वगैरह और कुछ कुछ वोकैबुलरी, काउंटिंग नंबर, और मेरे को एक चीज और भी करानी थी नंबर के साथ, मोबाइल नंबर कैसे देते हैं वो इम्पोर्टेंट है। सो वो नेक्स्ट क्लास में वी विल डू, बट फॉर एक्चुअली नेक्स्ट वीक रिविजन एंड प्रैक्टिस एंड लर्निंग यू मस्ट लर्न ऑल दीज थ्री वर्ब्स। यू नीड टू राइट देम एटलीस्ट एवरी डे, एटलीस्ट फॉर 5 डेज आपको तीनों वर्ब्स मतलब लिखने हैं। ऐसे कॉन्जुगेशन कैसे, अपना रजिस्टर लिया, तो रजिस्टर में जैसे पेजेस होते हैं, तो लेट्स से दिस इज योर रजिस्टर, ठीक है। तो एवरी डे आपको क्या करना है, एत्र ब्रैकेट में टू बी, फिर एत्र का कॉन्जुगेशन, फिर यहाँ पे अबुआर ब्रैकेट में टू हैव, फिर अबुआर का कॉन्जुगेशन ज्यू इल एल के साथ, ठीक है। फिर नीचे आले टू ब्रैकेट में टू गो, फिर उसका कॉन्जुगेशन, ऐसे। तो एक पेज पे तीनों वर्ब्स ऐसे कॉन्जुगेटेड रहने चाहिए। सो प्रैक्टिस एक एक पेज एवरी डे, मतलब फिर नेक्स्ट डे बैठे एथरा अबुआर आले, तो शुरू में आप देख के लिखोगे, थर्ड डे फोर्थ डे पे आप बिना देखे आपको याद हो जाएगी, ठीक है। एथर ओके अबुआर आले, ठीक है, टू गो ऑल यस दीज थ्री। तो अगर आपने ये एक हफ्ता कर लिया मेरे कहने पे, तो आप फिर तभी फ्रेंच कर पाओगे, नहीं तो नहीं। मेरे को पता है जो टाइम पास के लिए ज्वाइन करते हैं वो कभी नहीं कर पाते, पूरा 2-3 महीने निकल जाते हैं, वो नहीं करते। तो आपको अगर ये आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो दिस यू हैव टू लर्न। और जब आप ओके ये अभी एक बार ही ऐसे कर लोगे, फिर जब व्हेन वी विल रिज्यूम बैक विद द क्लासेस, तो मैं आपको एक छोटा सा थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगी, थोड़ा शॉर्टकट सा बताऊंगी, बट लेट्स लेट्स नॉट डू इट टुडे बिकॉज आई वांट यू टू राइट द सेम वे आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करेंगे नेक्स्ट आफ्टर अ वीक्स टाइम एंड वी विल ओके okay. मूव ऑन देन। मैम इसका रिकॉर्डिंग वीडियो है कोई? आपने जैसे पहले 3 शेयर किए थे। अच्छा नहीं, ये यही रिकॉर्ड किया मैंने क्लास में, ओके 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 मतलब होगा ऑफ कोर्स, हो तो होगा, बट यही सेम चीज ही बता रही हूँ उसमें, शायद इससे भी कम ही बताया होगा, थोड़ा जल्दी मैंने शायद पढ़ाया हुआ है ये टॉपिक। सो इफ यू वांट टू आई विल शेयर दिस वीडियो विद यू ऑल, ठीक या प्लीज है। या प्लीज यस हाँ, तो वैसे मैंने मैं पिक्चर्स भेज रही हूँ आपको, फिर भी रिकॉर्डिंग्स आपकी ईमेल आईडी पे मैं भेज दूंगी, ठीक है। सो बट प्लीज राइट ओके मैम एवरी डे एक हफ्ता, आपको ये कल सैटरडे से लेकर नेक्स्ट सैटरडे और संडे तक लिखिए ये हर रोज, ठीक है। मैम ये सारा बाय हार्ट ही करना पड़ेगा ना। J2IL तो बराबर है, बट ये वही वाह वही वाह वानी वे, हाँ जवे वा, वे हाँ ये हाँ लर्न करना पड़ेगा, यही भूल रही हूँ। हाँ ओके अभी के लिए मतलब लर्न तो करना ही पड़ेगा, बाद में जब लर्न हो जाएंगे तो फिर आपको सेंटेंसेस में समझ आने लगेगा, फिर यूज करने लगेंगे, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं कि बुक में से भी आप देखिए कि ये एथ वर्ब है इसी लेसन नंबर 2 में, क्योंकि वी आर ऑलरेडी यूजिंग दिस वर्ब एथ विद प्रोफेशंस, है ना। तो अब आप वो एथ्र वर्ब जो आपने किया है वो आप प्रोफेशंस के साथ अपने फैमिली मेंबर्स के लिए लिखिए, मतलब जितने भी हैं, ही इज दिस, शी इज दिस, तो ऐसे करके कुछ भी मतलब करिए। और एक यहाँ पे एक वर्ब है सापले, ये तो ये थोड़ा सा बाद में करेंगे, बट इफ यू कैन, इफ यू वांट टू रीड इट यू कैन रीड एक्चुअली फ्रॉम द बुक, पढ़ना तो चाहिए खुद से भी, ठीक है। और इसका लिसनिंग भी है, तो आप प्लीज ऑडियो वगैरह आई होप आपने डाउनलोड किया होगा लैपटॉप पे, तो यस आप प्लीज इन सबको खुद से यस प्ले करिए, प्ले सुनते रहिए, एक बार ही प्ले करके सुन लिया, फिर दूसरी बार प्ले करो, फिर तीसरी बार करो,
इसमें लिखा भी है कुत्ते वेरीफाई रेपेते ले दिया, लो लो एक्सरसाइज करने के बाद। तो चलो ये हम आके कर लेंगे एक्सरसाइज, बट स्टिल सो आई लीव दिस लेसन नंबर टू ऑन यू, ओके ठीक है? टू ट्राई, देखिए कितनी सारी लिसनिंग एक्सरसाइज है, इसलिए मुझे ये बुक अच्छी लगती है कि बिगिनर्स के लिए है कुछ ना कुछ, ठीक है? सो ट्राई डूइंग ओके दिस फ्रॉम पेज नंबर 9, 10 to 13। 11 to 30, हाँ सॉरी 10 to 13, हाँ या ठीक है, सो दिस विल दीक्स बी योर टू होमवर्क। थ्री थ्रीज दीज या द, दीज टू दीज आर थ्रीज थ्रेड्स, द बोलते हैं फ्रॉम द, दीज हाँ आर थ्रेड्स, आ पे अक्षाग्राव टू, इट्स लाइक फ्रॉम 10 to 13। पाज ओके okay. निमेरो द, द फ्रॉम द पाज निमेरो दीज आर थ्रेड्स, ठीक है? फ्रॉम पेज नंबर 10 to 13। सा से क्वा से वोत्र दवुआ, दवुआ ल दवुआर इज होमवर्क ओके मैस्कुलिन, ठीक है? ए दवुआर से उसी ले थ्रुआ वेर्ब एत्र आवुआर आले अवेक लर कॉन्जुगेशन, इल फो ले मेमोरीजे, ओके? यू टू मेमोराइज देम, लर्न देम, इल फो एक्रीर ए मेमोरीजे, ठीक है? राइट एंड लर्न, ठीक है? ओके या यस ओके, सो आई शेयर दिस वीडियो अभी आफ्टर दिस ओके यस क्लास एंड या, तो सी यू मे बी ऑन सी यू 17th, या ओके? यस ओवर हैप्पी जर्नी या या थैंक यू हैप्पी सो, जर्नी ओके बॉन श्योर वॉयज, बस अभी बोन से वॉयेज बॉम भी वॉयेज आप बोन देखते भी वॉयेज होंगे कहीं वॉयेज पे, हाँ वॉयज वॉयज है ना, बड़े सारे टूर ट्रैवल या कंपनी के नाम होते हैं, बॉम ओके वॉयज, हैव अ ग्रेट जर्नी, ओके देन, बॉम वीकेंड ओके फॉर यू, इट इज बॉम वीकेंड, ओके ओके या बोवी ओवर, बाय बाय बाय। बाय ओवर